हमारे वालों को आज की जो हमारी क्लास है इनको बेबी बी एस को साइंस के लिए जिसमें आज पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म का टॉपिक। ठीक है, यदि हम बात करें साइटोप्लाज्म की तो मैं आप क्लास पास में सेल के बारे में ऑलमोस्ट डिफाइन कर चुकी हूँ। जैसे कि जो सेल रहती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मैंने आपको बताया था, ये आपकी ऑल ओवर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। और आपकी सेल है, सेल मतलब कोशिका, और कोशिका को हमने कैसे जाना था कि जो हमारे जीवन की, जो हमारे लाइफ की सबसे छोटी इकाई है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल
साइटोप्लाज्म मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका के अंदर ये जो तरल द्रव भरा रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिक ग्रेन्यूल्स पता चल गया। फैट्स एंड लिपिड नाम से स्पष्ट है, इस साइटोप्लाज्म में फैट्स और लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है, मीसोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो वीडियो रहेगा या आगे का जो लेक्चर रहेगा वो उसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।